गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि मैंने 20 दिन सर्वाइव किए थे हार्डकोर में, जो कि तब तो आसान थे लेकिन अब आसान नहीं होने वाले, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें भी की है। तो वीडियो का एंड तक देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल किया है। अब जल्दी से डे 21 में चलते हैं। अब डे 21 में सबसे पहले मैंने अपने लिए एक पिकैक्स बनाई ताकि मैं सिल्पेस ले सकूं और अपना एक क्रीपर फार्म बनाने में मुझे स्टोन मिले और कॉबल स्टोन ना मिले, ताकि वो लुक में भी थोड़ा सा अच्छा हो। लेकिन जब मैंने उसको अनचेंट किया तो मुझे अनब्रेकिंग 3 मिली। मैंने उसको लगाया तो उसके अंदर फॉर्चून 2 थी। मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत से सबसे पहले तो एनविल लाया और जो जो मेरी पुरानी पिकैक्स थी उस पर फॉर्चून 2 और ये वाली 2 को मिला के मैंने फॉर्चून टोटल 3 बना ली। अब इस पर तो फॉर्चून 3 हो चुकी थी, लेकिन अब मुझे सिलेक्टाइज भी चाहिए थी। तो सबसे पहले मैंने एक और पिकैक्स बनाई और मैंने सबसे पहले एनचेंट करने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरी एक्स्ट्रा कम पड़ गई। फिर मैं दोबारा लेने गया और बहुत ही ज़्यादा देर बाद मुझे दोबारा सिलेक्टाइज मिल गई। अब इसके बाद डे 21 में ही मैंने अपना क्रीपर फार्म बनाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। कि तुम सारा रीप्ले मोड में देखो। तो ये डे 25 पे पूरा नहीं हुआ था, मैंने डे 25 तक दिखाया है। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम करने वाला था, मैं सारा रीप्ले मोड में दिखाता तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब डे 27 और डे 28 में मैं AFK रहा और इसके बाद जब मैंने नीचे आया तो मैंने देखा कि अपना फार्म बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वर्क कर रहा था और मुझे एक स्केलेटन ने ना शोर मारना शुरू कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको मारने गया तो मेरे ऊपर 2 ज़ॉम्बीज़ ने भी अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ सिर्फ 1 हार्ट थी। और उसके बाद मुझे दोबारा एक स्केलेटन ने हिट किया और सिर्फ हाफ हार्ट पे मैंने सर्वाइव करके खाना खाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैड आ गया था, क्योंकि अगर एक और मुझे हिट लगती तो ये मेरा पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाता। अब इसके बाद मैं ज़ॉम्बी से बहुत ज़्यादा हिम्मत से फाइट ली। अब इसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी हेल्थ फुल की और मैं जितनी भी सैंड लाया था AFK होने से पहले वो मैंने ली, और जितना भी मैंने जाके देखा वहाँ भी जाके बहुत ज़्यादा गन पाउडर हो चुका था। अब इसके बाद मैंने यहाँ से जितने TNT बन सकते थे सारे TNT बनाए और ये टोटल 5 स्टैक थे, बस उसमें 2 कम थे शायद, 2 कम थे। और ये बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग के लिए। अब इसके बाद मैंने सबसे पहले फ्लिंट जमा किए और मैंने बहुत ज़्यादा फ्लिंट बना लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा की ज़रूरत मेरी पड़नी। अब डे 30 पे मैं निकल गया माइनिंग पे। सबसे पहले मैंने नीचे खुदाई की और उसके बाद TNT लगाना शुरू कर दिए। अब डे 20 पता नहीं नेदर में मेरे लिए इतना बड़ा क्यों लग रहा था। अब इसके बाद मैंने सारे TNT को एक्सप्लोर किया और एकदम मेरा बहुत ज़्यादा लैग हुआ और टोटल मुझे मिले 20 एंशिएंट डेब्रिस। अब ये फास्ट में देख लो। डे 22 तक मेरी माइनिंग भी कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि मेरे पास है TNT और TNT से माइनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। सबसे पहले मैंने इनको स्मेल्ट किया
और मैंने सबसे पहले जितने एंड्रॉइड बन सकते थे मैंने बनाए, और मैं कंफ्यूज हो गया कि ये इतने कम क्यों पड़े हैं। लेकिन फिर बाद में मुझे पता लगा कि मेरे पास गोल्ड खत्म हो गया था, लेकिन गोल्ड इंगट पड़े थे, गोल्ड नगेट्स पड़े थे, जिससे मैंने सबसे पहले इंगट बनाए और उसके बाद एक और नेदरराइट इंगट बन गया, जो कि मेरे पास टोटल 5 हो गए। अब इसके मैंने अपग्रेड के को नीचे रखा और इसके बाद सबसे पहले अपने पूरे आर्मर को एंशिएंट डेब्रिज का किया। कवर मी इन डेब्रिज की एडवांसमेंट मिल चुकी थी। अब मैंने सबसे पहले मैंने अपनी डायमंड पिकैक्स को नेदरराइट में कन्वर्ट किया, क्योंकि स्वॉर्ड इतने भी काम की नहीं होती लेकिन पिकैक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम की होती है। सबसे पहले 12 और बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपने क्रीपर फार्म के साथ एक थंबनेल लिया। और इसके बाद मैं डे 33 से डे 36 तक बैशियन में गया और जितनी लूट थी मैंने दिखा दी चेस्ट में, जितनी लूट थी मुझे मिली, और इसके बाद भी बहुत सारी लूट मिली थी। अब डे 36 तक तो हो गए थे और इसके बाद मैंने देखा कि मेरे पूरा हेलमेट टूटने वाला है, तो इसलिए मैंने विलेजर के पास आया और बहुत ही ज़्यादा देर बाद इससे मुझे फाइनली मेंडिंग देना शुरू करती। अब डे 38 में मैंने अपने घर में एक रेड पड़वाई, जो कि मैंने इसके बाद सबको मारा और मुझे विलेजर ने एक मेंडिंग टोटल 8 एमरल्ड में दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम थी। अब इसके बाद मैंने सारे बाल मैंने पूरे अपने आर्मर और टूल्स को मेंडिंग लगवाई, जो कि पार्ट मेरा रिकॉर्ड नहीं हो सका रिकॉर्डिंग में, उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो जाती है जो कि कभी कभी रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती, तो इसको बनाते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और इंस्टा फेसबुक और डिस्कॉर्ड पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।